धौलपुर जिले की बाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते डकैत जगन गुर्जर के साथी चरा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए डकैत ने जगन के साथ 12 जून को बाड़ी शहर में मारपीट और फायरिंग कर दहशत फैलाई थी और इसके बाद पुलिस फोर्स ने चंबल के बीहड़ से डकैत को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस चरस सिंह से पूछताछ में जुटी हुई है। थाना प्रभारी अमित शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 जून को जगन गुर्जर ने 3 साथियों के साथ बाड़ी में सरकारी अस्पताल के सामने चाय विक्रेता से बदला लेने के लिए हथियारों से लैस होकर उपद्रव मचाया था और इस मामले में दस्यु जगन सहित 3 डकैतों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस पर कार्रवाई करते हुए जगन डकैत के साथी चरस सिंह गुर्जर को मुखबिर की निशानदेही पर चंबल के बीहड़ से दबोचा गया है और पूछताछ में डकैत चरस सिंह ने स्वीकार किया है कि उसने जगन डकैत का सहयोग कर बाड़ी में मारपीट कर खौफ फैलाया था। जून को बाड़ी बाजार में डकैत जगन ने अपने साथियों के साथ फायरिंग वगैरह की थी, जिसमें बाड़ी थाने पे मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें कल हमने गवाहों के बयानों की सूचना के आधार पर एक जगन के साथ ही चरत सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी पूछताछ पर बताया है कि उसके साथ 3 अन्य व्यक्ति भी थे, जिनमें एक जगन था, जगन का साला रवि, और एक था सुरेंद्र पटेल। इन चारों लोगों ने मिल के और पूर्व प्लानिंग से ये इस घटना को अंजाम दिया था, जिसमें रात को जगन के साथ हुई मारपीट का बदला लेने के लिए ये घटना कारित की गई। मारपीट किससे हुई थी सर? मारपीट रात को एक चाय वाले से पैसों के लेन देन के ऊपर हुई थी, और जिसका बदला लेने के लिए सुबह जगन आया था, लेकिन चाय वाला मिला नहीं था, तो अन्य व्यापारियों में दहशत फैलाने के लिए इसने उनसे मारपीट एवं फायरिंग